ये कहानी एक ऐसे 12 साल के खुराफाती बच्चे की है जो अपनी ही सौतेली माँ यानी स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड मूवी व्हाट द पीपल सॉ को। मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथिंग टब में मजे से नहा रही होती है और उसी वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है जहां पर हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल के घर पर जा रही होती है क्योंकि एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है और जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था वह पॉल की पहली पत्नी थी। पॉल एक बिजनेसमैन था इसलिए वो अपने काम के चलते अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए उसने अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए उसे यहाँ पर भेजा है और एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी इसलिए उसका भी फर्ज बनता था कि वो मार्कस का ख्याल रखे। पॉल एलिस को बताता है कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल गया है और वह एक हफ्ते बाद घर वापस आएगा, इसलिए एलिस पहले जाकर वहाँ पर सारी तैयारियाँ कर लेती है। जब एलिस पॉल के घर जाती है तो देखती है कि मार्कस तो घर पर ही मौजूद है। जब एलिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में जाना चाहिए था, तब मार्कस कहता है कि उसे स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई क्योंकि स्कूल में चिकन फॉक्स फैल गया था। उसकी बात सुनकर एलिस उस पर यकीन कर लेती है लेकिन मार्कस की बात उसे थोड़ी अटपटी जरूर लगती है क्योंकि मार्कस उम्र में भले ही छोटा था लेकिन उसकी बातें और एटीट्यूड ऐसा था जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बड़ा आदमी हो। अगले दिन पॉल एलिस को कॉल करता है और पॉल अपने बेटे मार्कस से बात करना चाहता था इसलिए एलिस मार्कस को फोन देने जाती है। उस समय मार्कस बाथटब में नहा रहा था। एलिस उसे फोन देती है और वो अपने पिता से बात करने लगता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बात करने लगती है। जब एलिस पॉल से बात कर रही थी तब मार्कस के दिमाग में खुराफात आती है और वो एलिस के करीब जाता है और उसे गंदी तरीके से छूने लगता है। मार्कस की इस हरकत से एलिस हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है, साथ ही मार्कस एक बिगड़ैल और शरारती लड़का होता है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती लेकिन मार्कस अपनी ही सौतेली माँ को गलत नजरों से देखने लगता है और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर से एलिस काफी परेशान होने लगती है। कुछ दिनों बाद पॉल अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है जहां एलिस और मार्कस उसे रिसीव करने जाते हैं। जब वो तीनों कार से घर आ रहे होते हैं तो पॉल एलिस को छूने लगता है जिससे एलिस का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है और वो बच जाते हैं। घर आने के बाद पॉल और एलिस इंटीमेट होने लगते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। शाम को ये तीनों एक होटल में डिनर करने जाते हैं जहां बातों बातों में पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरे डेस्क से पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है नहीं मैंने नहीं, मार्कस ने वो पैसे निकाले थे। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 300 सेंट्स ही निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुम खुद मुझे बता रहे थे कि तुमने डैड के सारे पैसे निकाल लिए थे। इस पर मार्कस तुरंत कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुल मिलाकर पैसे गायब होने का सारा इल्जाम एलिस पर ही आता है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एलिस मार्कस के रूम में वो पैसे ढूंढने जाती है। उसे रूम में पैसे तो नहीं मिलते लेकिन एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। अगले दिन मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तो मार्कस अपने पिता को बताता है कि एलिस मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती और तो और वो मुझे पसंद भी नहीं करती। ये सारी बातें एलिस भी सुन रही थी लेकिन पॉल मार्कस की बातों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि मार्कस एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। मार्कस अपने पिता से ये भी कहता है कि एलिस ने आज मेरे रूम की तलाशी ली, इसलिए पॉल इस बारे में एलिस से पूछता है लेकिन एलिस पॉल को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन एलिस मार्कस के बारे में और भी बातें जानने के लिए उसके स्कूल चली जाती है जहां मार्कस के टीचर एलिस को बताते हैं कि मार्कस की छुट्टियां नहीं चल रही है लेकिन उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने सस्पेंशन लेटर भी भेजा था जिसे मार्कस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वही लेटर है जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के रूम में मिले थे। स्कूल में एलिस को ये भी पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों में ताका झांकी यानी जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकती हुई बिल्लियों को भी जान से मार देता था। मार्कस की इन्हीं हरकतों के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है।
एक दिन पॉल एलिस को एक पार्टी में ले जाता है, जहां एलिस की मुलाकात एक सोफी नाम की औरत से होती है। सोफी बताती है कि सारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उसकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। ये सारी बातें सुनकर अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था, और अब एलिस को मार्कस पर शक होने लगता है। इसलिए एलिस पॉल को ये सब समझाने की कोशिश करती है। वो उसे मार्कस की हरकतों के बारे में बताती है, पर पॉल उसका यकीन नहीं करता, उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से ऊपर वाले रूम में जाती है, तभी वो देखती है कि उसके बेडरूम के छत पर एक होल है जिससे उनका बेड साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसे तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। इसलिए वो गुस्से में तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। मार्कस इस पर कहता है कि मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। एलिस कहती है तब तो तुम सारा को भी इसी तरह से देखते होगे। तब मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मजा नहीं आता था। वो कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब यहाँ एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई। तो मार्कस कहता है कि सारा की मौत हार्ट अटैक से हुई। ये सुनकर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस उससे कहती है तुम सच्चाई जानते हो लेकिन मुझे नहीं बता रहे हो। इस पर मार्कस कहता है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इससे क्या फायदा होगा। तब एलिस उसे पैसों का लालच देती है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि इसके बदले उसे एलिस चाहिए। तब एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सवालों के जवाब देने लगता है। वो कहता है कि सारा को हार्ट की बीमारी थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि उसे ये बात डॉक्टर की एक रिपोर्ट से पता चली। तब एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस वो हॉल जो मार्कस ने किया था उसे पॉल को दिखाने ले जाती है, पर जब वो वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उसके कमरे में झांकता रहता है, पर पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अब एलिस की बातें सुनकर उसे ये भी लगने लगता था कि वो अब पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस भी हार मानने वाली नहीं थी। वो सारा की मौत पर कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। तब मार्कस कहता है कि उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे लोगों को तकलीफ देने में और टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो चुकी है, इसलिए वो एलिस को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। कुछ महीनों बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे होते हैं। पॉल और एलिस बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद एलिस मार्कस से मिलती है और सारा की मौत पर बातें करने लगती है। यहाँ मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसको नहीं मारेगा क्योंकि अब वो एलिस को पसंद करने लगा था। एलिस भी उसके साथ अजीब सी बातें करने लगती है और मार्कस को बताती है कि वो दोनों पॉल का मर्डर करके कहीं भाग जाएंगे, और एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर तेजी से आती एक कार दिखाई देती है। ये देखकर एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंकती है। जब डॉग उस टॉय को लेने रोड पर जाता है तब मार्कस भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। और एलिस वहाँ खड़ी मार्कस की बॉडी देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया और अब वो आजाद है। दोस्तों, जब बच्चों को सही शिक्षा और सही गाइडेंस नहीं मिलता तो बच्चे ऐसे ही गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं जिन्हें सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल है कि इस बच्चे के ऐसा बनने में किसकी गलती है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।